बैरन बफेट और बिल गेट के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये दोनों ही लोग इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिरकार इन दोनों लोगों की सक्सेस का क्या सीक्रेट है? इसी बात को जानने के लिए एक बार इन दोनों ही लोगों का इंटरव्यू किया गया और इन दोनों को बिना बताए एक ही जगह पर बुलाया गया और दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया गया। उसके बाद इन दोनों ही लोगों से इनकी सक्सेस का सीक्रेट पूछा गया तो इन दोनों ही लोगों ने सिर्फ एक वर्ड, जी हाँ सिर्फ एक वर्ड में अपनी सीक्रेट का सक्सेस बताया और वो वर्ड था फोकस। जी हाँ, इनका ऐसा मानना था कि अगर इंसान अपनी लाइफ में किसी भी एक काम पर फोकस करता है तो वो अपनी लाइफ में 100% सक्सेस होता है। दोनों ही महान शख्सियतों का ऐसा मानना था कि जो इंसान अपने जीवन में थोड़े से लाभ या थोड़ी सी हानि में अपने काम को छोड़ करके दूसरे काम में चले जाते हैं, ऐसे इंसान कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। और क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि जब आप बच्चे थे तो आपके बचपन में सबसे ज़्यादा र्यूमरस यानी कि भ्रम फैलाने वाली बात कौन सी थी? अगर नहीं जानते तो अपनी आज की इस वीडियो को ज़रूर देखें। अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर वन, डॉक्टर्स इस बात को मानते हैं कि इंसानों को एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जीने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि जिराफ जो कि इस दुनिया का सबसे लंबा जानवर माना जाता है वो 24 घंटे में से सिर्फ आधे घंटे ही नींद लेता है और इस आधे घंटे में ही उसकी माइंड और बॉडी पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाती है। काश हम इंसान भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर पाते। फैक्ट नंबर टू, हम लोग सिंपली बस इतना ही जानते हैं कि स्नेक जहरीले होते हैं, लेकिन क्या आपको ये बात पता थी कि स्नेक अपनी लाइफ में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की बिल्कुल राइट प्रिडक्शन कर सकते हैं? स्नेक इस बात को 75 किलोमीटर दूर पहले से ही समझ जाते हैं कि भूकंप आने वाला है और जब इन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है तो सारे के सारे स्नेक अपने बिल में जाकर के गहराई तक छुप जाते हैं ताकि वो लोग भूकंप में सेफ रहे। फैक्ट नंबर थ्री, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि बचपन में सभी बच्चे गुड्डे और गुड़िया से जरूर खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बड़े होने के बाद भी अक्सर गुड़िया या यूं कहें कि कठपुतलियों से डर लगता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस डर को प्यूपाफोबिया के नाम से जाना जाता है? फैक्ट नंबर फोर, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि डरपोक या कायर लोगों को इंग्लिश में काउवर्ड्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअली में 14वीं शताब्दी तक काउवर्ड्स की जगह ऐसे लोगों को चिकन के नाम से जाना जाता था। फैक्ट नंबर फाइव, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अपने बचपन में कई प्रकार की र्यूमर्स यानी कि अफवाहों को सच मानते थे, जैसे कि चूहा हमारा दांत ले गया है, हमारे ना सोने पे सचमुच चुड़ैल आ जाएगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिरकार हमारे बचपन की सबसे बड़ी र्यूमर्स यानी कि अफवाह क्या थी? एक्चुअली में हमें बचपन में इस बात को बताया जाता था कि अगर पेंसिल के छिलके को दूध में मिला करके उबाला जाए तो ऐसा करने से रबड़ बन सकती है और हम में से अधिकतर बच्चे इस बात को सच मानते थे। आप में से कितने लोग अपने बचपन में इस बात को सच मानते थे? वीडियो को लाइक करें। फैक्ट नंबर सिक्स, ये फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से सुने और सुनने के बाद हो सके तो कुछ करने की कोशिश करें। पिछले 250 सालों में हमारी धरती पे से लगभग 570 तरह के पेड़ पौधे गायब हो चुके हैं, जिसके कारण हमारी इस धरती पे कई प्रकार की नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसीलिए अगर आप लोग अपने इस वातावरण को बचाए रखना चाहते हैं तो अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगा करके वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान जरूर दे। फैक्ट नंबर सेवन, खाने पीने के मामले में जीव जंतुओं का व्यवहार इंसानों के मुकाबले काफी अलग और हैरतअंगेज माना जाता है। अभी आप लोग जिस मछली की इमेज को देख रहे हैं इसका नाम ब्लैक स्वेलो है और ये इकलौती ऐसी मछली है जो अपने आकार से डबल आकार की मछली को निगल सकती है। फैक्ट नंबर एट, हम सब लोग अपने बचपन में बड़े मजे से खेलते थे, चील उड़ी, कौआ उड़ा, तोता उड़ा, मुर्गा उड़ा, मुर्गी उड़ी। लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि मुर्गा और मुर्गी एक्चुअली में एक बार में सिर्फ 10 से 12 सेकंड ही उड़ सकते हैं, उसके बाद उन्हें जमीन पर आना होता है। फैक्ट नंबर नाइन, अधिकतर लोग अपने घर में पेट एनिमल को रखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता था कि इस दुनिया में कुत्ते के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई पेट एनिमल पसंद किया जाता है तो वो है बिल्ली।